नगरपालिका प्रांगण में स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ द्वारा होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के द्वारा नगरपालिका मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष गोपाल त्यागी व महामंत्री तनवीर आलम द्वारा पालिका प्रांगण में चल रहे होली महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। होली महोत्सव में पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने जमकर नृत्य किया और कहा कि नगरपालिका ही उनका परिवार है। जिस तरह नगरपालिका कर्मचारी व अधिकारी सब त्योहार पर नगर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वह भूल जाते हैं कि उनके भी अपने परिवार हैं। आज होली के अवसर पर उन्हें अपने नगरपालिका परिषद के परिवार के बीच आकर और सबको गुलाल लगाकर बहुत अच्छा लगा। पालिका अध्यक्ष द्वारा पूरे स्टाफ को उनके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। पालिका अध्यक्ष के नगर पालिका प्रांगण में पहुंचने पर उन्हें समस्त स्टाफ के द्वारा बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की ओर से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होली का यहां पर होली मिलन का रखा गया और आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा चेहरों पर इतनी खुशी इन लोगों के नज़र आ रही थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और आप ये समझ लीजिए कि इन्हीं लोगों की वजह से ही हमारी नगर पालिका जो है इतनी आगे तक निकल चुकी है। ये मेरे हाथ हैं और इन लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो है ये होली का रंगारंग कार्यक्रम आप ये देखिए किस तरह से ये लोग पूरे सराबोर हैं रंगों में और बहुत ही सुंदर नृत्य इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो लगता था कि इनके चेहरों पर काफ़ी खुशी है और ये खुशी हमेशा इनके लिए जिंदगी में बनी रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, होली का जो रंगों का त्यौहार है इनके जीवन में अनेकों रंग खुशियों के भर दे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। देखिए होली के कार्यक्रम कई जगह हुए हैं, मैं सब जगह गई हूँ। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि इस त्यौहार को बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें आपस में मिलजुल कर दूर करें और ये शहर आपका भी है हमारा भी है, सफाई निरंतर चल रही है इसमें हमारा सहयोग करें और जो है बहुत अच्छी तरीके से सब मिलजुल कर इसको जो है त्यौहार के जा रहे कि आज के माहौल में ये नगर पालिका एक बात कहना चाहती है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम लोग प्यार बांटते हैं, हमारा संगठन हमारा स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ मुजफ्फरनगर के से लेके उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कस्बों में देहात में फैला हुआ है, वहाँ तुम्हें एक ही बात मिलेगी, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। चूँकि हम नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नगर को पालने वाली संस्था जिसको नगर पालिका कहा जाता है, इसलिए यहाँ से कोई डिफरेंट कोई न्यूज़ जाए वो मैं नहीं समझता। जहनी किसी का ख़राब होगा तो उल्टी बात कर सकता है। मुझे जो कुछ शब्द मिले हैं या बोलने लायक हुआ वो मेरे अध्यक्ष हमारे स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री गोपाल त्यागी जी, मेरे एक दूसरे बड़े भाई राजीव वर्मा जी, हमारे मेनपाल सिंह साहब मेरे बराबर में खड़े हुए हैं, इन सब ने कहा कि अपने भाव उजागर करो। कभी कभी होता है कि अपने भाव मार लेते हैं हम, लेकिन इनका मोहब्बत है इसको हम उजागर करें। हमारी पालिका प्रमुख जिस तरह से हमारे हौसलों को बढ़ावा देती हैं वो ऐसा लगता है कि हम चांद को भी छू लेंगे, बहुत जल्दी छू लेंगे। हमने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई नई सड़कें हमारी बनने पालिका प्रमुख, क्योंकि हम भी शहर के नागरिक हैं। तो कुल मिला के यह नहीं मैं कहूँगा कि अपनी पीठ हम खुद थाप रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, महसूस कीजिए कि नगर पालिका यूपी में नंबर एक नगर पालिका है और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के वो गोपाल त्यागी हैं। होली पर शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए बहुत छोटी बात होगी कि मैं तो कहूँ जिस तरह से हम यहाँ कोई जाति धर्म कुछ नहीं है यहाँ, तो मैं ये चाहूँगा कि शहर का हर वो नागरिक, कस्बे का हर वो नागरिक, हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो मुजफ्फरनगर को जानता है या इस वक्त आपकी न्यूज़ सुनेगा या सुन रहा हो, वो सबक ले कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है, यहाँ कोई जाति कोई धर्म कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार है, यहाँ आपस में मिलके प्यार बांट के रहते हैं और प्यार बांट रहे हैं।